इटावा जिले में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अशोक नगर का है, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में लापरवाही का मामला दर्ज कराया। वहीं स्वास्थ्य विभाग को मिली जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया। कबूरी गाँव में श्रीपाल की एक बच्ची पूजा नाम की बच्ची की डेथ हुई है, और वहाँ के लोगों ने बताया भी समझाया भी, वो गरीब आदमी है, उसके 7 बच्चे हैं जिनमें 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, और वो गरीब सा परिवार लगा। मैंने उसे समझाया भी कि तुम वहाँ क्यों ले गए, तो उसने संतोषजनक उत्तर ना दे करके साहब हम तो गरीब आदमी हैं कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया। इस गाँव में मैंने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए पूरे गाँव में जो वैसे तो कोई और बीमार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे ORS के पैकेट हैं, उल्टी दस्त की दवाइयाँ हैं, बुखार के लिए गोलियाँ हैं, और क्या नाम स्लाइड बनवाई हैं, ये सारी कार्यवाही कर रहे हैं। और सभी उन पे जो आसपास के इलाके के मैं जो देख रहा हूँ, मैं तो सभी गांवों में मैं इस निरोधात्मक कार्रवाई को, पूरी टीम हमारी मुस्तैदी से लगी हुई है और वो कार्रवाई करवा रही है। अब गिनती तो ऐसा नहीं, 10 तो बच्चे थे वहाँ पे। फिलहाल अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।